हेलो जेकेएसएसपी एस्पिरेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने दो नए हॉस्पिटल खोलने का ऑर्डर निकाला था, जिसमें एक हॉस्पिटल उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा और दूसरा हॉस्पिटल कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। और इन दोनों हॉस्पिटल्स में 806 पोस्ट इक्वली दी जाएगी, मतलब इन दोनों हॉस्पिटल में जो पोस्ट क्रिएट की जाएगी वो टोटल नंबर होगा उनका 1612। तो 806 पोस्ट फॉर उधमपुर हॉस्पिटल एंड 806 पोस्ट फॉर कुपवाड़ा हॉस्पिटल। तो ये गवर्नमेंट का पहले ऑर्डर आया था, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब इन 806 पोस्टों में ये जो नोटिस है ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए है। अब 806 पोस्ट में से जो नॉन गेजेटेड 522 पोस्ट है उसकी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस नोटिफिकेशन के जरिए हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई है, जो 522 पोस्ट जो कुछ समय बाद इनके द्वारा पब्लिश की जाएगी उसका इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया है। तो इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है हम जेकेएसएसबी मेडिकल सोशल वर्कर की प्रिपरेशन करा रहे हैं और ये पहला ऐसा चैनल है जो जेकेएसएसबी मेडिकल सोशल वर्कर की प्रिपरेशन करा रहा है। तो हम सिलेबस वाइज इसको कंप्लीट करेंगे, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एनेक्चर ए की तरफ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट है, मैंने अभी टोटल पोस्ट देखी है जो मेडिकल सोशल वर्कर, सेक्रेटरी सोशल वर्कर या सोशल वर्क, इन सब की टोटल पोस्ट 11 है इस उधमपुर हॉस्पिटल में। इन्होंने जो क्राइटेरिया सेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में, इन्होंने लिखा है सोशल वर्कर, पोस्ट का नाम है सोशल वर्कर और जो इसका पे स्केल रहेगा वो लेवल 4 होगा, 25,500 से स्टार्ट होगा 81,100 रुपीज तक। तो ये जो पे स्केल है यही पे स्केल जूनियर असिस्टेंट का भी है और मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखा है यही पे स्केल इन्होंने ड्राइवर का भी रखा है। तो ये चीज देख के एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि जो मेडिकल सोशल वर्कर है या सेक्रेटरी, इसका कम से कम लेवल 6 रहा है। जो लास्ट एग्जाम जेकेएसएसबी द्वारा लिए गए है उसमें भी लेवल 6 पे स्केल रहा है, बट इन्होंने अभी इसे डिमोशन कर दिया है लेवल 6 से लेवल 4। ये गवर्नमेंट ही जानती होगी इसका आंसर। बट हम अगर और भी पोस्ट में देखते हैं, जैसे सेक्रेटरी सोशल वर्क की नोटिफिकेशन, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में जो सोशियोलॉजी है वो वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन में नहीं रखी थी तो कोई बात नहीं, इसके अलावा आप मास्टर्स में सोशियोलॉजी होनी चाहिए, मास्टर में सोशियोलॉजी नहीं है या सोशल वर्क है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मास्टर ऑफ सोशल वर्क हो या मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी हो या ग्रेजुएशन विद वन ऑफ द सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हो, ये तीनों कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जॉब जल्दी निकाल दी जाएगी, तो आप इनकी प्रिपरेशन करें, सिलेबस आपको मिल जाएगा। हम सिलेबस के हिसाब से ही वीडियोस बना रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी या जब ये जॉब निकलने वाली होगी तो हम सबसे पहले आपको इसके बारे में अपडेट कर देंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।